प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंची। हॉलीवुड में अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालकर भारत आई प्रियंका से हमारी सहयोगी चेतना ने खास बातचीत की। ब्यूटीफुल प्रियंका मेरे साथ में इस वक्त। प्रियंका इतनी खूबसूरत लग रही हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए स्टैंड भी करती हैं। इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है वुमेन्स की पोजीशन को लेके खासकर? आई थिंक पूरी दुनिया में औरतों को हमेशा बोला जाता है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन है। अलग अलग देशों का अलग अलग तरीका होता है उसी ट्रीटमेंट का, तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है जहाँ औरतों को उनका ओहदा नहीं मिलता। एंड ये फाइट फॉर फेमिनिज्म जो है वो अभी नीड ऑफ द आवर बन गई है। आप इंडिया में हैं तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो आप लेंगी, सिलेक्ट करेंगी? अभी तक आपने, मैंने अभी 20 दिन ही बिताए इंडिया में और मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। मैं उसी रीज़न के लिए आई थी। मैं कोई फिल्म नहीं कर सकती मार्च तक, क्योंकि मेरा क्वांटिको का सीज़न 2 शूट शुरू हो रहा है। मार्च के बाद मैं कौन सी फिल्म करूँगी उसका डिसीजन ले रही हूँ। दो ही शायद कर पाऊँगी अगले साल, एक अमेरिका में शायद और एक इंडिया में। तो अभी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन। मुझे जल्दबाजी नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना वक्त है। इंडिया में और अब्रॉड दोनों जगह आपके फ़ैन्स हैं, अपने फ़ैन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि मुझे बहुत प्यार और बहुत प्यार मिला है दुनिया भर में, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड आई होप कि मैं वैसा काम करती रहूँ जहाँ मुझे वो प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच प्रियंका, और उसी तरह हम आपको प्यार देते भी रहेंगे। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन रावत के साथ चेतना भटनागर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।